तो आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ मक्के का भुट्टे का रेसिपी, और बहुत ही शानदार, बहुत ही हेल्थी, बहुत ही मज़ेदार मैं लेकर आ रही हूँ अपने किचन में। थोड़ा छोड़ा ली हूँ और थोड़ा रखी हूँ आपको दिखाने के लिए। ये हम दो मक्के, तो इसको हम दो भाग में तोड़ लेंगे इसी तरह, और इसी तरह हम इसको छोड़ा लेंगे। आप चाहे तो चाकू से भी छोड़ा सकते हैं या आप कद्दूकस भी कर सकते हैं इसको। हमने सारे मक्के को छोड़ा लिए हैं, बस इतना ही बचा है हमारा मक्का छोड़ाने के लिए, तो इसको भी हम इसी तरह छोड़ा ले रहे हैं। हम पीस कर इसको बनाएंगे, तो आप चाहे तो मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं। देखिए हमारा ये मक्का छूट गया है कितना अच्छे से, पूरा एक भी रेशा भी नहीं दिख रहा है। अगर रेशा इसमें कहीं भी छूट जाए तो आप रेशा को निकाल सकते हैं। देखिए यही रेशा है। अब हम चल रहे हैं इसको पीसने। अब इसको हम सिलबट्टे पर रख कर आराम से पीस लेंगे, और ज़्यादा हम बारीकी नहीं इसको पीसेंगे, मोटाई में हम पीसेंगे। तो देखिए हमने इसी तरह सारी मक्के को हमने पीस लिए सिलोट से। अब इसमें हम मिक्स करने के लिए तीन हरी मिर्च ली हूँ, ये चार कलियां ली हूँ लहसुन का, थोड़ा सा आदि लिए हैं, और हरी मिर्च लिए हैं, लहसुन लिए हैं। अब इसको हम इसी में पीस लेंगे सिलोटे पर। अच्छे आधी लहसुन को हम अच्छे से मिला लेंगे इसी में, ताकि बराबर से इसमें मिक्स हो जाए। अब इसको हम इसी बाउल में उठा लेंगे। कढ़ाई भी रख दिए चूल्हे पर, हमारा कढ़ाई भी गर्म हो गया है। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी, एक कटोरी हमने पानी ली हूँ, इसको हम ये डाल देंगे इसी में। जब तक हमारा ये पानी गर्म हो रहा है तब तक हम इसका घोल बना ले रहे हैं। हमने हींग लिया है थोड़ा सा, इसमें हम हींग थोड़ा सा डालेंगे, स्वाद बहुत अच्छा होता है हींग डालने से। और थोड़ा सा हम बेसन डालेंगे इसमें, आप चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं और चावल का आटा भी डाल सकते हैं, और आप चाहते हैं तो कुछ भी मत डालिए, सिर्फ बेसन थोड़ा सा डालिए और बनाइए झटपट, ये नुकसान नहीं करेगा। बाकी चीज़ डालेंगे बाहरी तो नुकसान करेगा। बेसन हमारा लाभदायक है शरीर के लिए, तो बेसन ही डालिए, बेसन से ही बनाइए आप। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, और एक चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। इसको हम पानी डालकर थोड़ा सा लूज कर लेंगे, ताकि हमारा रेसिपी बनाने में बहुत आसान हो और बहुत अच्छा से बने। और दो चम्मच इसमें हम रिफाइंड डाले हैं, और इसको हम अच्छे से मिला देंगे पूरे थाली, ये अच्छे से इसमें छूट जाएगा और चिपकेगा नहीं थाली में। इसी थाली में हम पलट लेंगे इसको। तब इसको हम चारों तरफ फैला ले रहे हैं, ज़्यादा मोटा नहीं और ज़्यादा हम पतला भी नहीं, मीडियम में इसको फैलाएंगे थाली में। इसको हम अच्छे से फैला दिए हैं, अब इसको हम रखेंगे उबलने के लिए। हमारा पानी भी गर्म हो गया है, देखिए हमारा कढ़ाई का पानी गर्म हो गया है। अब इसको हम इसी में रख देंगे, और थाली को भी हम इसी में रख देंगे। तो अब हम इसको इसी थाली से ढक देंगे अच्छे से। पाँच छः मिनट के लिए, और आँच को हम तेज कर देंगे। देखिए एक तरफ हमारा आँच निकल रहा है, भरपूर नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर तवा रख देंगे, ताकि हमारा आँच इधर भरपूर मिलेगा। देखिए जब तक हमारा ये उबल रहा है तब तक हम पूरी तैयारियाँ कर लेना है इसमें डालने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। और हम देखिए थोड़ा सा भूसा लगा दिए हैं, थोड़ा सा लकड़ी, हमारा आँच जल रहा है। हम लोग का मजबूरी है कि हम लोग का जब गैस खत्म हो जाती है तो हम इस पर खाना बनाते हैं, अब बनाना पड़ेगा हम लोग को। और गैस भी इतना महंगा हो गया है, तो कहाँ से हम जल्दी जल्दी गैस भरा पाएंगे।
तो चलिए हम तब तक तैयारी कर ले रहे हैं उसका। तो मैंने टमाटर ली हूँ, इसको हम बारीकी काट लेंगे। चाहे तो इसमें पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं, लेकिन हमको पेस्ट नहीं पसंद होती है, हम ज़्यादा ही काट कर ही डालते हैं कोई सब्जी बनाने में। तो देखिए हम प्याज को भी हम इस तरह नहीं काटेंगे, इसको हम 2 से 3 टुकड़े में कर लेंगे। सबका खाना बनाने का तरीका अलग अलग होता है, तो हो सकता है हमारा भी तरीका अलग अलग है, आप जैसे नहीं है। तो आज हमारे बगल में कार्यक्रम चल रहा है जन्मदिन का, तो ये डीजे लगा है, बच्चे सब उसी में नाच गा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो थोड़ी आवाज़ आ रही है। ये 2 हम टमाटर काटी हूँ तड़के के लिए, और 1 गांठ लहसुन है जो कलियाँ हैं लहसुन का, तो इसको भी हम छील कर रख लिए हैं 1 गांठ लहसुन की कलियाँ। और 2 प्याज हमने इसी तरह हम काट लिए हैं, और 3-4 हरी मिर्च, 2 सूखी मिर्च, 2 तिलपात, इसी से हम बनाएंगे अपना सब्जी। अब हम ढक्कन को हटाकर थोड़ा सा देख ही रहे हैं। देखिए हम ऐसे देख ले रहे हैं, देखिए एकदम टाइट हो गया है, कितना अच्छा हो गया है ये हमारा बॉन। चारों तरफ से देखिए हमारा कहीं भी कांच नहीं है, देखिए कितना अच्छा हो गया है। इसको हम हाथ से भी देख ले रहे हैं ताकि ज़्यादा गर्म है, देखिए कहीं से भी चिपक नहीं आ रही, एकदम हो गया है। अब इसको हम उतार कर और इसको ठंडे होने के लिए 5 से 6 मिनट तक रख देंगे। जब तक ये हमारा ठंडा होगा तब तक हम अपना मसाला भून लेंगे, पका लेंगे। देखिए हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, और सरसों का तेल हम इसमें डालेंगे, तो हम 2 चम्मच बड़े चम्मच से डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है तो हमें हींग डालेंगे थोड़ा सा स्वाद के लिए और टेस्ट के लिए। हींग डालने से बहुत अच्छा स्वाद होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और थोड़ा सा हम डालेंगे मेथी तड़के के लिए, और थोड़ा सा जीरा, एक दो तिलपात हम डालेंगे, लहसुन की कलियाँ हम डालेंगे, थोड़ा सा ये हरी मिर्च हम भून लेंगे। मिर्चा डालने समय थोड़ा सा सावधान रहिएगा ताकि बहुत ताकता है। देखिए हमारा प्याज गोल्डन हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, अब अच्छे से हम भून लेंगे टमाटर प्याज को। इससे पनीर, मशरूम, मटन सब फेल हो जाएंगे, इस तरह अगर आप बनाकर खाइएगा तो। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ा सा हम गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, और लाल मिर्ची पाउडर हम डालेंगे तीखापन के लिए, आप अपने अनुसार तीखापन डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे या भून लेंगे। जब तक हमारा ये मसाला पक रहा है तब तक हम इसको देख ले रहे हैं ताकि हमारा वो ठंडा हो गया कि नहीं काटने लायक। मसाला पकने के लिए हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे 2 से 3 मिनट तक, तब तक हम देख ले रहे हैं कितना सुंदर है। हमारा चारों तरफ से छोड़ दिया है थाली, अब इसको हम काट लेंगे, पतले में हम काट लेंगे, आप चाहें तो और चौड़ा भी काट सकते हैं। तो देखिए हमने आपको निकाल कर दिखा दे रहे हैं, इसी तरह इसमें हम रखते जाएंगे और काटते जाएंगे, और बारी बारी से हम काटते जाएंगे। कितना अच्छा हमारा सब कुछ कट गया एक एक करके, कितना अच्छा दिख रहा है हमारा ये पीस। तो देखिए इधर हमारा मसाला भी पक गया है अच्छे से,
और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें पानी थोड़ा सा डालेंगे अपने परिवार हिसाब। आप चाहो तो और भी डाल सकते हैं अगर आपका परिवार लंबा हो तो। 10 मिनट के लिए हम ढक देंगे इसे ढक्कन से ताकि हमारा पानी पक जाए इसमें का। सब पक गया है और बदका भी निकल रहा है इसमें का। तो अब हम एक एक करके इसमें सब डाल दें। दो मिनट के लिए हम ढक देंगे इसको ताकि हम अच्छे तरीके से पक जाए। देखिए जब तक हमारे चूल्हे पे 2 मिनट के लिए पक रहा है तब तक हम जा रहे हैं सारी अपना बर्तन धो लेने। जी हो गया है, अब इसको हम नीचे उतार लेंगे। हमसे सब लोग बड़े हैं, सबसे पहले उन्हीं को खिलाएंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो देखिए हमने थाली में रोटी लेकर आएंगे। रोटी हमने पहले से बना ली हूँ ताकि यह हमारे सब्जी बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपको भी खाना हो तो चले आइए खाने के लिए। देखिए कितना शानदार बना है और कितना स्वादिष्ट बना है। देखिए तो चल रहे सबसे पहले अपनी पापा मम्मी को देने खाना और यहीं पर हम ये ढक देंगे। अगर हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।